खरगोन जिला सेगांव के किसानों की प्याज की फसल खेतों में ही खराब होने के कारण दोहरी मार से किसान परेशान है। एक तरफ तो हजारों रुपए की लागत से लगाई गई प्याज की फसल पूरी तरह खराब हो रही है, वहीं दूसरी ओर सीजन के अगली खेती के लिए वो अपने खेत भी तैयार नहीं कर पा रहे हैं। खरगोन जिला सेगांव के किसानों की प्याज की फसल खेतों में ही खराब होने के कारण वे परेशान हैं। प्याज को खेतों से बाहर करने के बाद उचित स्थान पर भंडारण करना होता है। किसानों के पास भंडारण की सुविधा नहीं है। प्याज को हर 4-5 दिन में पलटना पड़ता है, नहीं तो ये खराब होने लगते हैं। किसानों को बगैर कारण मजदूरी लगाना पड़ रही है। पहले ही लॉकडाउन में किसानों की कोई भी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा, ऊपर से जो उपज है उसके खराब होने का डर सता रहा है। किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। क्यों फेंकी रहा कि हमारी मेहनत नहीं निकली रही, प्याज बिक ही नहीं रहा। सरकार हमको कोई भी मतलब दिलाए या प्याज भी हमारा बिकवाए, नहीं बिकवाए तो हम मजबूर है, फेंकना पड़ेगा। कितने समय से आपके प्याज ऐसे ही खेतों में? एक महीना से ऊपर हो गए। कितनी लागत लगी अपने प्याज को लगाने में? 25 से 30 हज़ार। कितना आपको इसका मिलता राशि अगर आप ये प्याज बेचते? 60 से 70 क्विंटल हो जाते प्याज। तो आपने इस बारे में सरकार के किसी व्यक्ति को या अवगत कराया कि मेरे प्याज की फसल खराब हो रही है? अभी जाने नहीं देते, नहीं तो कहाँ से करवाए। गांव बिहार खेड़ी के किसान थान सिंह गुहान सिंह के यहाँ प्याज की फसल पूरी तरह तैयार हो चुकी है, परंतु लॉकडाउन के कारण ना तो मजदूर मिल रहे हैं और ना ही खरीदार मिल रहे हैं। थोड़ी बहुत मेहनत कर जो प्याज घरों में रख लिए थे वह भी भीषण गर्मी के कारण खराब हो रहे हैं। ऐसे में अब हम कहाँ जाएं? किसान बेबस है, परेशान है।